नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही लाभवंत जानकारी प्रेषित की जाती है गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से। आज भी एक ऐसी ही जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। यदि इस जानकारी पर आप लोग अमल करते हैं तो यह जानकारी अवश्य ही आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां ला सकती है। हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्म सरस्वती, शिव पार्वती, यानी कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, ब्रह्मदेव और माता सरस्वती, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती, यह एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसी तरह से शंख और घंटी भी एक दूसरे के पूरक हैं, यह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जिस घर में भी शंख और घंटी दोनों चीजें रहती हैं तो इन्हें हमेशा एक ही साथ मिला रखना चाहिए, यानी कि एक ही बर्तन पर मिलाकर ही रखना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो उस घर में हमेशा ही खुशहाली आती है। किसी भी प्रकार का कोई आंतरिक कलह, किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात, समय पर मंगल कार्य आदि होते रहते हैं। घर में दरिद्रता आदि का कभी भी वास नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, यदि यह घर में प्रतिदिन बजते हैं, यदि इनका उपयोग किया जाता है, तो इनकी ध्वनि जहां तक जाती है, इनकी आवाज वहां तक किसी भी प्रकार की कोई भूत प्रेत बाधा आदि नहीं रहती है। यदि ऐसी बाधा है तो वह दूर हो जाती है, न ही कोई शत्रु बाधा रहती है। और तो और रोग बाधा भी इससे दूर हो जाती है। इसका प्रमाण आप कुछ समय पूर्व हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो जन जागरण में कहा गया था कि शंख ध्वनि आदि करें, आप देख चुके हैं। तो इतना पावरफुल इन दो चीजों को माना गया है। तो जिस घर में भी यह रहते हैं तो इनको हमेशा ही एक ही स्थान पर रखना चाहिए, मिलाकर रखना चाहिए और प्रतिदिन इनका इस्तेमाल करना चाहिए। यह मंगल कार्य का सूचक है, यानी कि कोई चीजें रुक गई हैं तो इनकी ध्वनि से वह आगे बढ़ जाती है, बाधाएं हट जाती है। इतना चमत्कारिक इनको शास्त्र में माना गया है। मैं कह तो रहा हूं आपको कि ब्रह्म सरस्वती, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, यानी कि इनके बाद शंख घंटी, इनका भी बड़ा महत्व बताया गया है। तो यदि आप लोगों के घर में है तो इन्हें मिलाकर रखिए, नहीं है तो अवश्य ही लाइए और इनका इस्तेमाल आदि आप कर सकते हैं, कैसे भी करें, तो नहीं तो रख इनको अवश्य ही लीजिए। कहीं ना कहीं इसका चमत्कारिक परिणाम आप लोगों को देखने में अवश्य ही आएगा। तो आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमेशा ही हमारा आग्रह रहता है। और यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आ रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कि बेल आइकन कहीं ऑफ तो नहीं हो गया है, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। नए लोगों से भी गुजारिश रहती है कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। यदि जानकारी हमारी पसंद आती है तो बने रहिए, वरना आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।